हे गाइस, वेलकम्स ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कैसे हैं आप सब? आज हम इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि जो हमारे विश्व में कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं वो किस महाद्वीप के कौन से देश में स्थित हैं। तो आज हम यहाँ पे चलिए देखते हैं एक एक करके, एक एक महाद्वीप और एक एक देश करके देखते हैं कि ये जो मरुस्थल हैं इनकी स्थिति कहाँ पर है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में एक है तनामी मरुस्थल। जो तनामी मरुस्थल है ये जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दूसरा है ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ग्रेट सैंडी मरुस्थल ये भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। फिर सिम्पसन और गिप्सन, यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं। सिम्पसन एक अलग मरुस्थल है और गिप्सन एक अलग मरुस्थल है। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। फिर आता है पाँच नंबर पे स्टुअर्ट स्टोनी। यहाँ पे देख रहे हैं स्टुअर्ट स्टोनी। तो जो स्टुअर्ट स्टोनी है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ग्रेट विक्टोरिया, कौन सा? ग्रेट विक्टोरिया, ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप। तो यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहला है नामीब मरुस्थल। जैसा कि नाम से ही लग रहा है क्या है कि किसी देश का नाम है। तो जो नामीब है ये नामीबिया में पाया जाता है और नामीबिया एक देश है। तो जो नामी मरुस्थल है वो उसी के नाम पर आधारित है। फिर दूसरा है कालाहारी मरुस्थल। तो जो कालाहारी मरुस्थल है ये बोत्सवाना में पाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बोत्सवाना में और कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, वो कौन सा जीव है जो बहुतायत में पाया जाता है। ठीक, फिर तीसरा है लीबिया मरुस्थल। तो जो लीबिया का मरुस्थल है ये दो देशों से मिलकर बना हुआ है। एक है लीबिया, दूसरा है मिस्र। कौन सा है? एक है लीबिया, दूसरा है मिस्र। फिर चौथे नंबर पे हम बात करते हैं पूर्वी मरुस्थल की। तो जो पूर्वी मरुस्थल है ये मिस्र में पाया जाता है। फिर पांचवा है नुबियन मरुस्थल। तो जो नुबियन मरुस्थल है ये सूडान में, कहाँ पे? सूडान में पाया जाता है। फिर छः नंबर है ओगादेन मरुस्थल। तो ओगादेन मरुस्थल जो है सोमालिया तथा इथियोपिया दो देश हैं। एक देश है सोमालिया, दूसरा है इथियोपिया। तो जो सोमालिया है और इथियोपिया है, यानी कि ओगादेन मरुस्थल का कुछ जो एरिया है सोमालिया में तथा कुछ एरिया इथियोपिया में शामिल है। फिर सात नंबर पे आता है इगुइदी मरुस्थल। तो जो इगुइदी मरुस्थल है ये अल्जीरिया नामक देश में पाया जाता है। ठीक, आठ नंबर पे आता है सहारा मरुस्थल। ये जो है उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो अफ्रीका महाद्वीप है यहाँ पे सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ठीक, आगे चलते हैं हम। फिर आते हैं अफ्रीका, सॉरी दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि दक्षिणी अमेरिका में कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका में एक देश है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना में पेंटागोनिया का मरुस्थल पाया जाता है। और दूसरा देश है चिली। चिली में जो है अटाकामा का मरुस्थल पाया जाता है। चिली में अटाकामा मरुस्थल पाया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं दक्षिणी अमेरिका में दो ही देश हैं। देश तो बहुत से हैं लेकिन ये जो मरुस्थल है पेंटागोनिया का मरुस्थल और अटाकामा मरुस्थल, ये क्रमशः अर्जेंटीना और चिली में पाए जाते हैं। ठीक, फिर आगे हम देखते हैं कि कौन सा है। तो यहाँ पे हम आगे अब नॉर्थ अमेरिका मीन्स जो है उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में एक है सोनोरन मरुस्थल। सोनोरन मरुस्थल जो है ये यूएसए और मैक्सिको में अपना, दोनों देशों को एरिया जो है क्या करता है, इसका जो एरिया है दो देशों में मिलकर डिवाइड हो जाता है। पहला यूएसए और दूसरा है मैक्सिको। तो जो सोनोरन मरुस्थल है यूएसए और मैक्सिको दोनों देशों में मिलकर बना हुआ है। ठीक, फिर आता है मोजावे का मरुस्थल। तो जो मोजावे मरुस्थल है ये भी यूएसए और मैक्सिको, कौन सा? यूएसए। यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा कि यूएसए का फुल फॉर्म क्या है। तो आगे हम चलते हैं। अब हम आते हैं एशिया महाद्वीप, जिसमें अपना प्यारा भारत देश स्थित है। वो कौन सा महाद्वीप है? वो है एशिया महाद्वीप। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एशिया महाद्वीप में सऊदी अरब की बात करते हैं। तो सऊदी अरब ने जो है दो मरुस्थल के नाम दिए हैं। पहला है रब अल खाली और दूसरा है नाफूद अल अद्दहल। पहला है रब अल खाली, ये जो है सऊदी अरब में पाया जाता है। दूसरा है नाफूद अद्दहल, ये भी सऊदी अरब में पाया जाता है। अब तीसरा है दस्त कबीर और चौथा है दस्त लुट। यहाँ पे देख रहे हैं दस्त दोनों में शामिल है क्या? दस्त कबीर और दस्त लुट, तो ये दोनों जो है पाए जाते हैं कहाँ पे? ईरान में। कहाँ पे? ईरान में पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं
बदयात असम, कौन सा? बदयात असम, ये जो है सीरिया देश में, सीरिया नामक जो देश है वहां पे जो मरुस्थल पाया जाता है उसका नाम है बदयात असम। ठीक। फिर 6 नंबर, गोबी का मरुस्थल। तो जो गोबी का मरुस्थल, ये चीन और मंगोलिया, कहाँ पे? चीन और मंगोलिया नामक दो देश हैं। तो जो गोबी का मरुस्थल है वो अपना कुछ एरिया चीन में तथा कुछ एरिया मंगोलिया को साझा करके बना हुआ है। अब 7 नंबर पे आते हैं तकला मकान। 7 नंबर पे तकला मकान। तो जो तकला मकान मरुस्थल है ये जो है चीन में पाया जाता है। फिर 8 नंबर पे आते हैं थार का मरुस्थल। तो जो थार का मरुस्थल है ये भारत और पाकिस्तान दो देशों में इसने जो है अपना एरिया साझा किया हुआ है। मीन्स जो है इसका कुछ एरिया भारत में है तथा कुछ एरिया पाकिस्तान में है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो थार का मरुस्थल है इसका ज़्यादा एरिया कौन से देश में है, मीन्स भारत में ज़्यादा एरिया है या फिर पाकिस्तान में है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर 9 नंबर आता है काराकुम मरुस्थल। तो जो काराकुम मरुस्थल है ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में पाया जाता है। तो जो काराकुम मरुस्थल है ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान नामक दो देश है यहाँ पे ये अपना एरिया साझा किए हुए हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये जो हमारा आज का सेशन रहा कैसा रहा, मीन्स आपके लिए कैसे हेल्पफुल साबित हुआ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप लोग इसको जो है देखिए और नोट्स बना लीजिए। बाकी हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसके PDF का लिंक ऐड कर देंगे, आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चाहे तो आप PDF से पढ़िए या फिर इसको प्रॉपर कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि आप लोग आने वाली आगामी परीक्षाओं में, जैसे हमारी UPPET की है या फिर स्टेट PCS वगैरह की है, जहाँ पे इस टाइप के वो 1 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर जो हमारी SSC वगैरह में 1 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप लोग इसको जो है देखिएगा और प्रॉपर नोट्स बनाइए, ध्यान में रख के जो है आप नोट्स बना लीजिएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस पर। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए जब बनाएं तो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए रहिए। थैंक यू।